अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर मेंटर मोहम्मद तारिक। और आज के लेक्चर में इंग्लिश स्पेशल ग्रामर में मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में लेक्चर देने वाला हूँ। ये पार्ट टू है प्रोनाउन की, और पार्ट फर्स्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उस तक आप जा सकते हैं। तो ये प्रोनाउन के पार्ट टू लेक्चर है, पार्ट सेकेंड। ओके, पहले लेक्चर में मैंने फर्स्ट फाइव प्रोनाउंस के बारे में बता चुका हूँ। आज के लेक्चर में उसके ऑनवर्ड जो प्रोनाउंस हैं, उनके जो अलग और टॉपिक्स है और प्रोनाउन टाइप्स है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस यूज टू रेफर टू इंडेफिनिट और अनस्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउन है जो हम किसी अनस्पेसिफिक, जो मालूम ना हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो थिंग्स हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, यानी पता ना हो कि ये कौन है, क्या है और कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट हो मतलब मालूम ना हो, सिंपल इसका मतलब ये है, ठीक है, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो और थिंग हो, ठीक है। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस यूज टू रिप्लेस इंडेफिनिट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। जो थिंग्स हो, प्लेस हो और थिंग्स हो, आप दोनों डेफिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक डेफिनेशन में बता दी, आप बाकी डेफिनेशंस में भी आप सीख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ एडिशन होंगे, मुख्तलिफ ग्रामर बुक्स में आप देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है आपके लिए लाया हूँ। इस पर आप सिर्फ देखा करें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है ना। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन आर जनरली कैटेगराइज इन थ्री सेक्शंस। द फर्स्ट वन सेक्शन इज पर्सन, यानी तीन कैटेगरीज में वो कैटेगराइज है, ठीक है। और फर्स्ट जो है पर्सन के लिए, जिस तरह के डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ कि पीपल यानी पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जिस तरह के सम वन भी आप लिख सकते हैं और सम बड़ी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं। एनी वन भी आप लिख सकते हैं और एनी बड़ी भी आप लिख सकते हैं। तो सम वन कोई, कोई, ठीक है। अब कौन, क्या पता कि कौन है, ठीक है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब एनी वन या एनी बड़ी आप दोनों कह सकते हैं, कोई भी, ओके। नो वन, नो बड़ी आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लेस के लिए हम, ये दूसरी कैटेगरी जो है ये प्लेस के लिए है। समवेयर, आप जगह का पता नहीं है कि जहां पर भी हो, एनी वेयर एंड नो वेयर। अब ये देख सकते हैं कि इसको आप किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, थिंग्स के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसका एक एक वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसको हम कैसे यूज करें। नोट, अच्छा, सम वन, एनी वन एंड नो वन फॉर्मल यूजेज, एंड समबडी, एनीबडी एंड नोबडी हैव इनफॉर्मल यूजेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पीकिंग में सम वन यूज़ करें, एनी वन यूज़ करें या नो वन यूज़ करें, तो ये फॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब ये है कि ग्रामेटिकल के उसूलों के मुताबिक ये होगा, और जो हम विद सम ऑफिशियल प्लेसेस, ऑफिशियल पीपल के साथ ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने, आपका ग्रामर, आप कह रहे हैं कि मेरे स्पीकिंग में फॉर्मेलिटी आ जाए, तो आप फिर ने फॉर्मल ग्रामर यूज़ करना है, ठीक है। लेवल वन के फर्स्ट लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूँ, फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शंस। उस वीडियो को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस माहौल में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, फॉर्मल इस्तेमाल कर रहे या इनफॉर्मल, ओके। अच्छा, तो समबडी, एनीबडी एंड नोबडी हैव इनफॉर्मल यूजेज, इनका जो यूजेज है वो इनफॉर्मल है, ओके। अच्छा, नोट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूजली स्टार्ट विद द वर्ड्स। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो स्टार्ट होते हैं, इन तीनों कैटेगरीज के जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जब जो स्टार्ट होते हैं, तो सम से इस्तेमाल, एनी से एंड नो से, यानी ये सम, एनी एंड नो जो है ये प्लेस के साथ, पर्सन के साथ और थिंग के साथ इस्तेमाल होता है, क्लियर। अच्छा, सो दोज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड्स, यानी जो सम है, एनी है एंड नो जो है, इन वर्ड्स को हम कंपाउंड कहते हैं। क्यों कंपाउंड कहते हैं, ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम ये दूसरे वर्ड्स के साथ कंपाइन करते हैं, तो इस वजह से ये एक कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं प्रोनाउन बन जाता है, सॉरी, और इसलिए इसको हम कंपाउंड कह सकते हैं।
हालांकि ये एडजेक्टिव्स भी है, लेकिन ये मैं बाद में एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में बताऊंगा कि एडजेक्टिव कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, यूसेजेस ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउंस कंपाउंड प्रोनाउन, यूसेजेस ऑफ इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बार बार आएगा एनटीएस के पेपर में, ईटा के पे जो टेस्ट है, गेट के टेस्ट है, ये ग्रामर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ इससे एमसीक्यूज भी हासिल कर सकते हैं। इसको हम जो पूरा नाम लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन में, यहाँ हम इसका एक दूसरा नाम ले सकते हैं इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउंस, इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन। इसलिए हम कंपाउंड्स यूज करते हैं क्योंकि इसके साथ ये वर्ड कंपाउंड्स यूज हुए हैं, ठीक है। इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन, इसलिए इसको हम कहते हैं। सो द इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन जो है स्टार्ट विद द कंपाउंड सम आर यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें जो प्रोनाउन सम के साथ हो यानी सम से स्टार्ट हुआ हो तो वो हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। व्हेन वी ऑफर समथिंग टू समवन टू ईट और ड्रिंक, जब हम किसी के लिए ऑफर करते या कोई चीज़ हमने मंगवाना हो किसी ड्रिंक के लिए, तो हम यहाँ ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको, इनका यूजेज जो है आप अपने जहन में रख दें। अब ये देखें, शी वॉन्ट्स समथिंग टू बाय फॉर हर हस्बैंड। अब ये देखिए, समथिंग ये जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, कुछ भी हो समथिंग, अभी मालूम नहीं है कि उसने क्या बाय करना है, ठीक है, इस चीज़ का पता नहीं है, तो इसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। सो शी वॉन्ट्स समथिंग, वो कुछ मतलब ख़रीदना चाहती है अपने हस्बैंड के लिए, तो इसका मतलब है अब वो कुछ, जो कुछ वो ख़रीदना चाहती है अब वो पता नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, वुड यू लाइक, अब ये देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, हमेशा इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना है। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, अच्छा तो ये देख क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंड पॉजिटिव सेंटेंस में ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू, द इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन स्टार्ट विद द कंपाउंड एनी, जो कंपाउंड प्रोनाउन एनी के साथ स्टार्ट होता है यानी एनी से स्टार्ट होता है तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे। सो दे आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। ही डिड नॉट बाय एनीथिंग इन इस्लामाबाद यस्टरडे, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, डिड नॉट बाय एनीथिंग, ओके, इन इस्लामाबाद, मतलब उसने कुछ नहीं खरीदा है इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब ये है कि एनीथिंग अभी पता नहीं है क्या चीज़ थी, ओके, कुछ भी उसने ख़रीदा नहीं है, तो एनी जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। डिड ही गो एनी वेयर विद हिज फ्रेंड, तो ये देखिए ये हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूजेज आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। अब नंबर थर्ड, द इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन, द इंडेफिनेट कंपाउंड प्रोनाउन जो है स्टार्ट विद द कंपाउंड नो, जो नो से स्टार्ट होता है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सो दे आर यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस बट गिव्स नेगेटिव मीनिंग, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं लेकिन इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव होगा, याद रखें। देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, अब ये देखिए इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है, लेकिन कुछ भी देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका मीनिंग जो है वो मतलब मीनिंग नेगेटिव होता है और सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। नाउ कंपेयर द फॉलोइंग, डिड शी एनी वेयर विद हर फ्रेंड्स और डिड शी गो एनी वेयर विद हर फ्रेंड्स, इन दोनों को आप कंपेयर कर दें। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। Did she anywhere with her friends या did she go anywhere with her friends, में सिर्फ ये go का इजाफा हुआ है। अब remember, when we expect a positive answer, जब हमने positive answer expect करना हो किसी से और yes answer from a question, question से we use something, तो फिर हम something use करते हैं। When we export positive and negative answer from a question, then what we use? Then we use anything, फिर हम anything का इस्तेमाल कर सकते हैं। So here something is not used, here something का use नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने compare कर दिया anywhere जो है वो इसलिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा, so anything here is not used, अच्छा note, anyone, anything, anywhere
कैन बी यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. हेयर दे गिव द मीनिंग ऑफ एवरीवन, दे गिव द मीनिंग ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. अच्छा, इसका मतलब है कि एनीवन, एनीथिंग और एनीवेयर, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. लेकिन ये मीनिंग दे रहा है किस किस तरह का मीनिंग दे रहा है, जिस तरह की एवरीथिंग हो एंड एवरीवन हो, एवरीथिंग हो या एवरीवेयर हो, तो इस तरह के मीनिंग्स इसके होंगे. एनीवन के, एनीथिंग के और एनीवेयर के जो मीनिंग है वो एवरीवन हो, एवरीथिंग हो एंड एवरीवेयर हो. क्लियर? हियर नाउ वेयर एवरीथिंग, ये सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है कैन बी फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस फंक्शन देगा. एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है. ठीक है, ये केसेस में इंशाल्लाह इस पर वीडियोस बनाऊंगा कि केसेस क्या है, नाउन या सब्जेक्टिव केसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये सारे वीडियोस जो है मैं बनाता रहूंगा. ओके, नाउन के केस में आप देख सकते हैं, नाउन की जो लेक्चर्स में बना चुका हूँ स्पेशल ग्रामर में, उसमें आप देख सकते हैं, उस वहाँ मैंने केसेस बयान किए हुए हैं. ठीक है, इस पर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं. ओके, सो ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा. रिमेंबर, समवन इज, समवन आर नहीं कह सकते, इसके साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ होगा. समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन, नो वन स्मोक्स इन द फैमिली. ओके, एवरीवन प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशंस अबाउट वर्ल्ड वॉर टू. तो इस तरह की ये एग्जांपल जो है, आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपने सिंगल वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम, या सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है वो एक ही बंदा हो, यानी उसमें बंदे दो नहीं हो सकते. जिस तरह के आप शीशे या मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, तो मतलब एक जो है आप रियल में और एक जो आप मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, तो ये दो बंदे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक है. यानी सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों एक हो, सेंटेंस में एक बंदा हो, वो बंदा जो एक्शन परफॉर्म भी करे और वो बंदा जो एक्शन रिसीव भी करे, तो वो दोनों एक ही बंदा होगा. ठीक है, अच्छा, परफॉर्म्स और रिसीव का कंसेप्ट अलग है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होंगे. ठीक है, अच्छा, जिस तरह के सम पर्सन, एनिमल और थिंग्स हो, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास और सेंटेंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करे और दोबारा सब्जेक्ट की तरफ आ जाए, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं. जिस तरह के एक लाइट है दीवार पर रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी दीवार, जिस दीवार से आप शीशे से कोई दूसरा दीवार आप रिफ्लेक्ट करें, तो वही रेज जो है उसी दीवार की तरफ आता है. तो इस तरह ये कंसेप्ट भी है हमारे पास. अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दो पार्ट्स का हिस्सा है. द वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. पोजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. और द सफिक्सेस सेल्फ और सेल्फ जो है, सफिक्सेस सेल्फ और सेल्फ जो है यूज होते हैं. ठीक है, सेल्फ जो है ये आखिर में वो यूज होते हैं. ठीक है, सफिक्सेस का मतलब है वो वर्ड जो वर्ड के आखिर में यूज हो, तो उसको हम सफिक्सेस कह सकते हैं. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर, जिस तरह के माई जो है वो सब्जेक्टिव है, माई सेल्फ जो है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है. यूअर सेल्फ, ओके, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ओके, एंड यूअर सेल्फ, देम सेल्फ. अगर ये प्लूरल आपने लगाना हो तो फिर सेल्फ्स का इस्तेमाल करना है. ठीक है, अगर आपने सिंगुलर लगाना हो तो सेल्फ का इस्तेमाल करना है. ठीक है, सो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये केक मैंने खुद बनाया हुआ है. उर्दू इसकी इस तरह है. ठीक है, आई मेड दिस केक माई सेल्फ. अब ये माई सेल्फ आखिर में जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ओके, अच्छा, ही लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर. उसने अपने आप को शीशे में वो देखता है. ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ हम हिमसेल्फ जो है वो हम एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते. अब हिमसेल्फ, ठीक है, अच्छा, बी केयरफुल विद द नाइफ.
यू विल कट यूर सेल्फ, यू विल कट यूर सेल्फ, अपने आप को आप मतलब कट लगाओगे या कट लग जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये कि यूर सेल्फ जो है यहाँ क्या क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं इस पर। अच्छा नोट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ, वन सेल्फ, रिमेंबर दिस पॉइंट, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ इज रेयर इन ब्रिटिश इंग्लिश। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश एंड इट इज़ वेरी रेयर इन अमेरिकन, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों लैंग्वेजेस में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है वन सेल्फ। जिस तरह के वन शुड कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। अब ये देखिए ये एग्जाम्पल जो मैंने इस्तेमाल किया है वन सेल्फ, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ओके अच्छा, रिमेंबर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, ठीक है। अब एग्री का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी वीडियोस में बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे। टू विच इट्स रेफर्स, जिस तरह के आई लिखा हुआ है इस दो सेंटेंस में, ये करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो करेक्ट सेंटेंस है, आई सा माई सेल्फ, जब आई आ जाएगा तो इसके लिए माई ज़रूर आपने लगाने, ये है हमारे पास एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट। ओके तो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है वो इस तरह होता है, आई अगर आपने यूज़ करना है तो फिर आपने दूसरा प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, वही माई यानी जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। आई के साथ माई का इस्तेमाल होगा, और जिस तरह के आई सा हर सेल्फ, आई सा हर सेल्फ इन द मिरर, ये इनकरेक्ट है, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, ठीक है। हर सेल्फ यानी ही अगर यहाँ, शी अगर यहाँ आ जाए तो फिर यह हर सेल्फ ठीक था, लेकिन यहाँ आई आया हुआ है, यह हर सेल्फ ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आप इसमें एग्रीमेंट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक अलग टॉपिक से इस पर, ठीक है, इस पर मैं बहस करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा उसके बाद है एम्फेटिक, सेवन नंबर जो है एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन आल्सो कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इसमें हम ताकीद देते हैं एक बात पर, मतलब एम्फेसाइज करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं उसके बारे में, तो उसको हम एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस यूज टू एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिफाइंग द प्रोसीडिंग नाउन्स और प्रोनाउन, जो प्रोसीडिंग नाउन और प्रोनाउन हो उसको हम एम्फिसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये। अब ये एग्जाम्पल देखें एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या चेंजेस है, द मैनेजर हिमसेल्फ टेलीफोन्स मी। अब ये नाउन उसके बाद आया हुआ है, मतलब ये इसने नाउन पर एम्फिसाइज किया हुआ है, हिमसेल्फ टेलीफोन्स मी, द मैनेजर हिमसेल्फ, तो यहाँ जो है इसने नाउन पर एम्फेसाइजेशन किया हुआ है, तो इस वजह से इसको हम एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। शी हर सेल्फ टोल्ड मी, अगर कोई प्रोनाउन मतलब अपने आप पर इंटेंसिफाई करे, शी हर सेल्फ टोल्ड द होल स्टोरी, शी हर सेल्फ टोल्ड द होल स्टोरी, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा रिमेंबर वेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर द मेन, अब इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, इंटेंसिव और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंजेस क्या है, व्हेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर द मेन वर्ब, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब जिस तरह की ये टोल्ड आयो अगर इसके बाद आ जाए, सो दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन दे कम बिफोर द मेन वर्ब दे आर एम्फेटिक, अगर वो मेन वर्ब से पहले आ जाए, यानी वर्ब इस प्रोनाउन के बाद आ जाए और ये वर्ब से पहले आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक इंटेंसिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके तो ये चेंजेस है, जिस तरह के इफ शी, इफ द सेल्फ प्रोनाउन फॉलो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉलो करे, द प्रोनाउन कैन बी मूव टू द एंड, तो फिर वो एंड में मूव होगा। ही हेम सेल्फ, जिस तरह के ही हेम सेल्फ आंसर द टेलीफोन, अब ये आंसर जो है वर्ब है और हेम सेल्फ जो है इंटेंसिव या एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो नॉट हिज सेक्रेटरी और ही आंसर द फोन हिमसेल्फ नॉट हिज सेक्रेटरी, तो देख इन दोनों एग्जाम्पल में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन है, तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, क्लियर। ओके रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन्स आर आल्सो नोन एज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम एक नेम दे सकते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन्स। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का
ये मतलब ये था कि रिफ्लेक्सिव और जो इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंजेस, ये चेंजेस आपने देख लिए, क्लियर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम योर मेंटर मोहम्मद तारिक, और आज के लेक्चर में इंग्लिश स्पेशल ग्रामर में मैं आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में लेक्चर देने वाला हूँ। ये पार्ट टू है प्रोनाउन की, और पार्ट फर्स्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उस तक आप जा सकते हैं। तो ये प्रोनाउन के पार्ट टू लेक्चर है, पार्ट सेकंड। ओके, पहले लेक्चर में मैंने फर्स्ट फाइव प्रोनाउन्स के बारे में बता चुका हूँ। आज के लेक्चर में उसके ऑनवर्ड जो प्रोनाउन्स हैं उनके जो अलग और टॉपिक्स है और प्रोनाउन टाइप्स है वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंडेफिनेट प्रोनाउन्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन्स क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन्स यूज टू रेफर टू इंडेफिनेट और अनस्पेसिफिक पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स। इंडेफिनेट प्रोनाउन्स वो प्रोनाउन है जो हम किसी अनस्पेसिफिक जो मालूम ना हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो थिंग्स हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, यानी पता ना हो कि ये कौन है, क्या है और कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट हो मतलब मालूम ना हो, सिंपल इसका मतलब ये है, ठीक है, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो और थिंग हो, ठीक है। सो अनडेफिनेट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन्स यूज टू रिप्लेस इंडेफिनेट पीपल प्लेस एंड थिंग्स। जो थिंग्स हो, प्लेस हो और थिंग्स हो, आप दोनों डेफिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक डेफिनेशन में बता दी, आप बाकी डेफिनेशंस में भी आप सीख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ एडिशंस होंगे मुख्तलिफ ग्रामर बुक्स में, आप देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है आपके लिए लाया हूँ। इस पर आप सिर्फ देखा करें कि इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है ना। सो इंडेफिनेट प्रोनाउन आर जनरली कैटेगराइज इन थ्री सेक्शंस। द फर्स्ट वन सेक्शन इज पर्सन, यानी तीन कैटेगरीज में वो कैटेगराइज है, ठीक है। और फर्स्ट जो है पर्सन के लिए, जिस तरह के डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ कि पीपल यानी पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जिस तरह के सम वन भी आप लिख सकते हैं और सम बडी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं। एनी वन भी आप लिख सकते हैं और एनी बडी भी आप लिख सकते हैं। तो सम वन कोई कोई, ठीक है। अब कौन, क्या पता कि कौन है, ठीक है, इसलिए इसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब एनी वन या एनी बडी आप दोनों कह सकते हैं, कोई भी, ओके। नो वन, नो बडी आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लेस के लिए हम, ये दूसरी कैटेगरी जो है ये प्लेस के लिए है। समवेयर, आप जगह का पता नहीं है कि जहां पर भी हो, एनी वेयर एंड नो वेयर। अब ये देख सकते हैं कि इसको आप किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, थिंग्स के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसका एक एक वर्ड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसको हम कैसे यूज करें। नोट, अच्छा, सम वन, एनी वन एंड नो वन फॉर्मल यूजेज, एंड समबडी, एनीबडी एंड नोबडी हैव इनफॉर्मल यूजेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पीकिंग में सम वन यूज करें, एनी वन यूज करें या नो वन यूज करें, तो ये फॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब ये है कि ग्रामेटिकल के उसूलों के मुताबिक ये होगा, और जो हम विद सम ऑफिशियल प्लेसेस, ऑफिशियल पीपल के साथ ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने, आपका ग्रामर, आप कह रहे हैं कि मेरे स्पीकिंग में फॉर्मेलिटी आ जाए, तो आप फिर ने फॉर्मल ग्रामर यूज़ करना है, ठीक है। लेवल वन के फर्स्ट लेक्चर में मैं इनफॉर्म टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुका हूँ, फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। उस वीडियो को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस माहौल में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, फॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं या इनफॉर्मल, ओके। अच्छा, तो समबडी, एनीबडी एंड नोबडी हैव इनफॉर्मल यूजेज, इनका जो यूजेज है वो इनफॉर्मल है, ओके। अच्छा, नोट, इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूजली स्टार्ट विद द वर्ड्स। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन जो स्टार्ट होते हैं, इन तीनों कैटेगरीज के जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, जब जो स्टार्ट होते हैं, तो सम से इस्तेमाल, एनी से एंड नो से, यानी ये सम, एनी एंड नो जो है ये प्लेस के साथ, पर्सन के साथ और थिंग के साथ इस्तेमाल होता है, क्लियर। अच्छा, सो दोज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड्स, यानी जो सम है, एनी है एंड नो जो है, इन वर्ड्स को हम कंपाउंड कहते हैं। क्यों कंपाउंड कहते हैं,
ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम ये दूसरे वर्ड्स के साथ कंबाइन करते हैं, तो इस वजह से ये एक कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं प्रोनाउन बन जाता है सॉरी, और इसलिए इसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। हालांकि ये एडजेक्टिव्स भी है, लेकिन ये मैं बाद में एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में बताऊंगा कि एडजेक्टिव कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, यूसेजेस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस कंपाउंड प्रोनाउन, यूसेजेस ऑफ इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बार बार आएगा एनटीएस के पेपर में, ईटा के जो टेस्ट है, गेट के टेस्ट है, ये ग्रामर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ इससे एमसीक्यूज भी हासिल कर सकते हैं। इसको हम जो पूरा नाम लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में, यहाँ हम इसका एक दूसरा नाम ले सकते हैं इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउंस, इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन। इसलिए हम कंपाउंड्स यूज करते हैं क्योंकि इसके साथ ये वर्ड कंपाउंड्स यूज हुए हैं, ठीक है। इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन इसलिए इसको हम कहते हैं। सो द इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन जो है स्टार्ट विद द कंपाउंड सम आर यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें जो प्रोनाउन सम के साथ हो यानी सम से स्टार्ट हुआ हो तो वो हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। व्हेन वी ऑफर समथिंग टू समवन टू ईट और ड्रिंक, जब हम किसी के लिए ऑफर करते या कोई चीज़ हमने मंगवाना हो किसी ड्रिंक के लिए, तो हम यहाँ ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको इनका यूजेज जो है आप अपने जहन में रख दें। अब ये शी वॉन्ट्स समथिंग टू बाय फॉर हर हस्बैंड। अब ये देखिए समथिंग ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कुछ भी हो समथिंग, अभी मालूम नहीं है कि उसने क्या बाय करना है, ठीक है, इस चीज़ का पता नहीं है, तो इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सो शी वॉन्ट्स समथिंग, वो कुछ मतलब ख़रीदना चाहती है अपने हस्बैंड के लिए, तो इसका मतलब है अब वो कुछ जो कुछ वो ख़रीदना चाहती है अब वो पता नहीं है कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल वुड यू लाइक, अब ये देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, हमेशा इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना है। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, अच्छा तो ये देख क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंड पॉजिटिव सेंटेंस में ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू, द इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन स्टार्ट विद द कंपाउंड्स एनी, जो कंपाउंड प्रोनाउन एनी के साथ स्टार्ट होता है यानी एनी से स्टार्ट होता है तो उसको हम कहा यूज करेंगे। सो दे आर यूज इन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। He did not buy anything in Islamabad yesterday. मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है did not buy anything, okay? In Islamabad मतलब उसने कुछ नहीं खरीदा है इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब ये कि anything अभी पता नहीं है क्या चीज़ थी, okay? कुछ भी उसने खरीदा नहीं है, तो any जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Did he go anywhere with his friend? तो ये देखिए ये हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूजेज आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। अब नंबर थर्ड, द इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन, द इंडेफिनिट कंपाउंड प्रोनाउन जो है स्टार्ट विद द कंपाउंड नो, जो नो से स्टार्ट होता है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सो दे आर यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस बट गिव्स नेगेटिव मीनिंग, ये हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं लेकिन इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव होगा, याद रखें। देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, अब ये देखिए इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है, लेकिन कुछ भी देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसका मीनिंग जो है वो मतलब मीनिंग नेगेटिव होता है और सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। नाउ कंपेयर द फॉलोइंग्स, डिड शी एनीवेयर विद हर फ्रेंड्स और डिड शी गो एनीवेयर विद हर फ्रेंड्स, इन दोनों को आप कंपेयर कर दें। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। Did she anywhere with her friends या did she go anywhere with her friends, में सिर्फ ये go का इजाफा हुआ है। अब remember when we expect a positive answer, जब हमने positive answer expect करना हो किसी से और yes answer from a question से, we use something, तो फिर हम something use करते हैं। When we export positive and negative answer from a question, then what we use, देन वी यूज एनी थिंग, फिर हम एनी थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हेयर समथिंग इज नॉट यूज, हेयर समथिंग का यूज नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने कंपेयर कर दिया एनी वेयर
जो है वो इसलिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो एनीथिंग हियर इज नॉट यूज्ड। अच्छा, नोट, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर कैन बी यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। हियर दे गिव द मीनिंग ऑफ एवरीवन, दे गिव द मीनिंग ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। अच्छा, इसका मतलब है कि एनीवन, एनीथिंग और एनीवेयर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है किस तरह का मीनिंग दे रहा है, जिस तरह की एवरीथिंग हो एंड एवरीवन हो, एवरीथिंग हो या एवरीवेयर हो, तो इस तरह के मीनिंग्स इसके होंगे। एनीवन के, एनीथिंग के और एनीवेयर के जो मीनिंग है वो एवरीवन हो, एवरीथिंग हो एंड एवरीवेयर हो। क्लियर? हियर नाउ वेयर एवरीथिंग, ये सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है कैन बी फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस फंक्शन देगा, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है, ठीक है। ये केसेस में इंशाल्लाह इस पर वीडियोस बनाऊंगा कि केसेस क्या है, नाउन या सब्जेक्टिव केसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये सारे वीडियोस जो है मैं बनाता रहूंगा। ओके, नाउन के केस में आप देख सकते हैं, नाउन की जो लेक्चर्स में बना चुका हूँ स्पेशल ग्रामर में, उसमें आप देख सकते हैं, उस वहाँ मैंने केसेस बयान किए हुए हैं, ठीक है। इस पर ऑलरेडी वीडियोज बने हुए हैं। ओके, सो ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। रिमेंबर, समवन इज, समवन आर नहीं कह सकते, इसके साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ होगा। समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन, नो वन स्मोक्स इन द फैमिली। ओके, एवरीवन प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वॉर टू। तो इस तरह की ये एग्जाम्पल जो है, आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपने सिंगल वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम, या सब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है वो एक ही बंदा हो, यानी उसमें बंदे दो नहीं हो सकते। जिस तरह के आप शीशे या मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, तो मतलब एक जो है आप रियल में और एक जो आप मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, तो ये दो बंदे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक है, यानी सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों एक हो सेंटेंस में, एक बंदा हो, वो बंदा जो एक्शन परफॉर्म भी करे और वो बंदा जो एक्शन रिसीव भी करे, तो वो दोनों एक ही बंदा होगा, ठीक है। अच्छा, परफॉर्म्स और रिसीव का कंसेप्ट अलग है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होंगे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह के सम पर्सन, एनिमल और थिंग्स हो, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास और सेंटेंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करे और दोबारा सब्जेक्ट की तरफ आ जाए तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जिस तरह के एक लाइट है दीवार पर रिफ्लेक्ट हो के दोबारा उसी दीवार, जिस दीवार से आप शीशे से कोई दूसरा दीवार आप रिफ्लेक्ट करें तो वही रेज जो है उसी दीवार की तरफ आ जाए, तो इस तरह ये कंसेप्ट भी है हमारे पास। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दो पार्ट्स का हिस्सा है, द वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और द सफेक्सेस सेल्फ और सेल्फ जो है, सफेक्सेस सेल्फ और सेल्फ जो है यूज होते हैं, ठीक है। सेल्फ जो है ये आखिर में वो यूज होते हैं, ठीक है। सफेक्सेस का मतलब है वो वर्ड जो वर्ड के आखिर में यूज हो, तो उसको हम सफेक्सेस कह सकते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर, जिस तरह के माय जो है वो सब्जेक्टिव है, माय सेल्फ जो है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है, यूअर सेल्फ, ओके, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ओके, एंड यूअर सेल्फ, देम सेल्फ। अगर ये प्लूरल आपने लगाना हो तो फिर सेल्फ्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आपने सिंगुलर लगाना हो तो सेल्फ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, ये केक मैंने खुद बनाया हुआ है, उर्दू इसकी इस तरह है, ठीक है। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, अब ये माई सेल्फ आखिर में जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। अच्छा, ही लुक एट हिम सेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में वो देखता है, ठीक है।
सो इसका मतलब है कि यहाँ हम हिमसेल्फ जो है वो हम एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. अब हिमसेल्फ, ठीक है. अच्छा, बी केयरफुल विद द नाइफ, यू विल कट यूर सेल्फ, यू विल कट यूर सेल्फ. अपने आप को आप मतलब कट लगाओगे या कट लग जाएगा आपको, तो इसका मतलब ये कि यूर सेल्फ जो है यहाँ क्या क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं इस पर. अच्छा, नोट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ, वन सेल्फ, रिमेंबर दिस पॉइंट, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ इज रेयर इन ब्रिटिश इंग्लिश. ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश एंड इट इज़ वेरी रेयर इन अमेरिकन. ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों लैंग्वेजेस में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है वन सेल्फ. जिस तरह के वन शुड कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी. अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो मैंने इस्तेमाल किया है वन सेल्फ, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता. ओके, अच्छा, रिमेंबर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, ठीक है. अब एग्री का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी वीडियोज़ में बनाऊँगा इंशाल्लाह, आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे. टू विच इट्स रेफर्स, जिस तरह के आई लिखा हुआ है इस दो सेंटेंस में, ये करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो करेक्ट सेंटेंस है, आई सा माई सेल्फ, जब आई आ जाएगा तो इसके लिए माई ज़रूर आपने लगाने. ये है हमारे पास एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट. ओके, तो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है वो इस तरह होता है. आई अगर आपने यूज़ करना है तो फिर आपने दूसरा प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, वही माई यानी जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है. आई के साथ माई का इस्तेमाल होगा. और जिस तरह के आई सा हर सेल्फ, आई सा हर सेल्फ इन द मिरर, ये इनकरेक्ट है. आई सा माई सेल्फ इन द एरर, ठीक है. हर सेल्फ यानी ही अगर यहाँ, शी अगर यहाँ आ जाए तो फिर यहाँ हर सेल्फ ठीक था, लेकिन यहाँ आई आया हुआ है, यहाँ हर सेल्फ ठीक नहीं है. तो इस लिहाज से आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आप इसमें एग्रीमेंट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक अलग टॉपिक से इस पर, ठीक है. इस पर मैं बहस करता रहूँगा इंशाल्लाह. अच्छा, उसके बाद है एम्फेटिक, सेवन नंबर जो है एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन. एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन आल्सो कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. इसमें हम ताकीद देते हैं एक बात पर, मतलब एम्फेसाइज करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं उसके बारे में, तो उसको हम एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन इसलिए कह सकते हैं, ठीक है. एम्फेटिक प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन्स यूज टू एम्फेसाइजिंग और इंटेंसिफाइंग द प्रोसीडिंग नाउन्स और प्रोनाउन. जो प्रोसीडिंग नाउन और प्रोनाउन हो उसको हम एम्फिसाइज करते हैं, ठीक है. अच्छा, उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये. अब ये एग्जाम्पल देखें, एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या चेंजेस है. द मैनेजर हिमसेल्फ टेलीफोन्स मी. अब ये नाउन उसके बाद आया हुआ है, मतलब ये इसने नाउन पर एम्फिसाइज किया हुआ है. हिमसेल्फ टेलीफोन्स मी, द मैनेजर हिमसेल्फ, तो यहाँ जो है इसने नाउन पर एम्फेसाइजेशन किया हुआ है, तो इस वजह से इसको हम एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन कह सकते हैं. शी हर सेल्फ टोल्ड मी, अगर कोई प्रोनाउन मतलब अपने आप पर इंटेंसिफाई करे, शी हर सेल्फ टोल्ड द होल स्टोरी, शी हर सेल्फ टोल्ड द होल स्टोरी, तो इसका मतलब ये कि ये इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है. अच्छा, रिमेंबर वेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर द मेन. अब इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, इंटेंसिव और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंजेस क्या है. व्हेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम आफ्टर द मेन वर्ब, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब, जिस तरह के ये टोल्ड आया अगर इसके बाद आ जाए, सो दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. समटाइम्स व्हेन दे कम बिफोर द मेन वर्ब दे आर एम्फेटिक, अगर वो मेन वर्ब से पहले आ जाए, यानी वर्ब इस प्रोनाउन के बाद आ जाए और ये वर्ब से पहले आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक इंटेंसिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. ओके, तो ये चेंजेस है. जिस तरह के इफ शी, इफ द सेल्फ प्रोनाउन फॉलो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉलो करें, द प्रोनाउन कैन बी मूव टू द एंड, तो फिर वो एंड में मूव होगा. ही हिमसेल्फ, जिस तरह के ही हिमसेल्फ आंसर द टेलीफोन, अब ये आंसर जो है वर्ब है और हिमसेल्फ जो है इंटेंसिव या एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. सो नॉट हिज सेक्रेटरी, और ही आंसर द फोन हिमसेल्फ, नॉट हिज सेक्रेटरी. तो देख, इन दोनों एग्जाम्पल में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन है, तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं. क्लियर? ओके, रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक
प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. इसको हम एक नेम दे सकते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का ये मतलब ये था कि रिफ्लेक्सिव और जो इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट था. ठीक है, तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंजेस.